देवास जिले के हाटपिपलिया में पूर्व मंडी अध्यक्ष महेंद्र यादव एवं पार्षद विनोद जोशी के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सवर्ण समाज को केंद्र सरकार द्वारा 10% आरक्षण देने की खुशी में मिठाई वितरित की गई, पटाखे फोड़े गए। पूर्व मंडी अध्यक्ष महेंद्र यादव व पार्षद विनोद जोशी द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्ण वर्ग एवं हर वर्ग के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष की नहीं है, ये कोई चुनावी प्रपंच नहीं है। हर समाज को अपना हक मिलना चाहिए और यही पार्टी ने किया है। सर, आज केंद्र की सरकार ने जो 10% आरक्षण सवर्णों को दिया है, आप लोगों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी, क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? हम मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि मोदी जी ने हर वर्ग को एक तरीके का समान आरक्षण देकर सबको उत्साहित किया है कि सबके जो गरीब, हर समाज में जो गरीब रहता है उनको प्रोत्साहित किया, इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि जो 10% जो आरक्षण मिला है स्वर्ण समाज को, इसका स्वर्ण समाज पर कोई प्रभाव इसका रहेगा, कोई आपको मदद मिलेगी आगामी चुनाव में? इसके लिए बहुत बहुत हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मोदी जी ने ये स्वर्णों के लिए इतना अच्छा किया है। फर्क क्या, मोदी जी 2000 वापिस से चुनाव में वापिस मोदी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे, इतना फर्क पड़ेगा इससे। सर, आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ देवगढ़ चौराहे पर 10% आरक्षण जो सवर्णों को मिला है, इसलिए मिठाइयाँ बांटी है और फटाखे फोड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बड़ा हर्ष का विषय है। देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने देश के प्रति जो निरंतर चिंता में रहते हैं, उन्होंने स्वर्ण का या आरक्षण का जो आज आधारित और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण किया है, जिसका बीजारोपण उन्होंने किया है, निश्चित ही भारत देश में स्वर्णों को इसका लाभ होगा और उचित स्थान स्वर्णों को भी प्राप्त होगा। सर, सवर्ण जो कुछ भारतीय जनता पार्टी से और जुड़ेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? निश्चित ही जब विकास के द्वार खुलते हैं तो जिस सरकार के द्वारा ये द्वार खोले जाते हैं उसके प्रति आकर्षण होता है, और निश्चित ही देश के लोग 2019 में मोदी जी का साथ देंगे और पुनः उसकी ताजपोशी देश के प्रधानमंत्री के रूप में होगी।